ठीक है, ऑन कर दिया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी ई वर्सेस टी की, है ना। ई वर्सेस टी से हमें क्या मिला था, स्टीफंस लॉ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें दो चीजें वैरी हो रही हैं, एनर्जी दो चीजों के रेस्पेक्ट में वैरी होती है, टेम्परेचर के साथ ये प्लॉट जो है वो शिफ्ट होता है, और लैम्डा के साथ तो प्लॉट हमने किया ही है इसको, है ना। ई वर्सेज लैम्डा का तो ये प्लॉट है ही, और टेम्परेचर के साथ ही इस तरह से इसका पीक शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है ये है ई वर्सेज टी, और ये जो मेन वेरिएशन है ये वाला, ये कैसा है फॉर ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये है ई वर्सेस, ये है ई वर्सेस लैम्डा, ठीक है। तो ई वर्सेस लैम्डा कैसा रहता है वो आज हम लोग देखेंगे, यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। बस इसकी हाइपोथेसिस अलग अलग रही थी तो वो हमको देखनी पड़ेगी किसने कैसी दी, ठीक है। चलो, ई वर्सेस लैम्डा, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। स्पेक्ट्रा का मतलब लैम्डा, कोई एक स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, स्पेक्ट्रा का मतलब यही होता है ना। सो ई वर्सेस लैम्डा, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी मतलब ई एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इसकी तीन हाइपोथेसिस आई थी बेसिकली। सबसे पहली हाइपोथेसिस की आई थी बेटा रेले की तरफ से, ठीक है, रेले जीन्स, दो साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी कि ये कर्व जो है ये कौन से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले बेटा क्या माना था, इन्होंने माना था जो हमारी रेजोनेटिंग कैविटी है ना, ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी एक बनाई हुई कैविटी ही तो है। सो ब्लैक बॉडी कैविटी में इन्होंने माना कि अलग अलग बहुत सारे रेजोनेटर हैं, ठीक है, जो भी हमारे फोटॉन्स हैं उसमें वो क्या है, बहुत सारे रेजोनेटर्स हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ठीक है। उनके जितने भी मोड्स हैं, ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स, जितने भी वाइब्रेशन के मोड्स हैं उसके अंदर, ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स इनसाइड द कैविटी, जितने भी मोड्स हैं सबकी एनर्जी इन्होंने क्या मानी, सेम मानी। जैसे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा था पिछली यूनिट में, हमने पढ़ा था ना, सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से कितनी वहां पे एनर्जी मिल रही थी, 1/2 KVT मिल रही थी, ठीक है। इन्होंने माना कि जो हमारी रेजोनेटिंग कैविटी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, जो हमने कैविटी बनाई है, ठीक है, डिजाइन की है, उसके अंदर जितने भी रेजोनेंस के मोड्स हैं, ठीक है, उन सबकी जो एनर्जी है वो कितनी है, हर मोड की एनर्जी कितनी है, केवीटी, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया गया, थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का क्या यूज किया, क्वांटम मैकेनिक्स अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन आपको कतई समझ में नहीं आएगा इसका। तो क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके जो इसका सोल्यूशन निकलता है मोड्स के लिए, तो उससे टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो निकल के आता है, टोटल नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितना आता है इसको देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोड्स आता है n इक्वल टू 8 पाई v ओवर लैम्डा टू द पावर 4, ठीक है, एट पाई वी ओवर लैम्डा टू द पावर 4। एक सेकेंड, एन लैम्डा डी लैम्डा, सॉरी इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये डी एन की वैल्यू लानी पड़ेगी इसके लिए। सो ये हो जाएगा आपका एन लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। सो ये हो गया 8 पाई वी ओवर लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा। ये क्या है, नंबर ऑफ मोड्स इन द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है ना। सो यहां से टोटल नंबर ऑफ मोड्स निकल आता है इसको इंटीग्रेट करके, ठीक है। सो जो इसका रिलेशन आया एनर्जी का, एनर्जी का रिलेशन भी इस पे बेस्ड है। सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
नंबर ऑफ मोड्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, केवीटी से। टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ जाएगा, चलो। तो ये आ गई आपकी एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 8 पाई केवीटी ओवर लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहो तो क्या करना होगा, आपको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को टोटल बनाने के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रल, है ना। ये एक पर्टिकुलर लैम्डा के रेंज के लिए है, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए है, तो हमें इसको टोटल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी ये स्मॉल यू इक्वल टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ओवर यू लैम्डा डी लैम्डा फ्रॉम लैम्डा इक्वल टू जीरो टू लैम्डा इक्वल टू इंफिनिटी, है ना। तो ये जो इंटीग्रल है ये बेटा हमें क्या दे देता है, ये इंटीग्रल हमें वैल्यू दे देता है इंफिनिटी। जैसे जैसे आपकी लैम्डा की वैल्यू इंफिनिटी होती जाएगी या फिर जीरो होती जाएगी, क्योंकि लैम्डा डिवाइड में आ रहा है ना, लैम्डा डिवाइड में है, लैम्डा की वैल्यू जब आप जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, एट लैम्डा इक्वल टू जीरो ये क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉल लैम्डा ये क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉल लैम्डा ये हो गया इंफिनिटी, और फॉर हायर लैम्डा ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा डिवाइड में है, लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी बताओ, बताइए, लैम्डा डिवाइड में है ना, तो जैसे जैसे आपका लैम्डा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू घटती जाएगी, है ना। फॉर हायर लैम्डा u is small, ठीक है। सो बेसिकली जो 1 by x, 1 by x square, 1 by x cube, 1 by x to the power 4, इस तरह के जो प्लॉट्स होते हैं, इनका प्लॉट लगभग एक तरह का रहता है ना। केवल थोड़ा सा क्या फर्क आता है, स्लोप का फर्क आता है ना। तो ये कौन सा प्लॉट है हमारा, ये है 1 by x to the power 4 का प्लॉट है। तो ये प्लॉट कैसा दिखाई देगा, इस स्पेक्ट्रल डेंसिटी का प्लॉट कैसा दिखाई देगा, ये हमें दिखेगा कुछ इस तरह का। इसको मैं बना देता हूँ जल्दी से, पहले बना लेते हैं अपना एक्सपेरिमेंटल प्लॉट, जो कि एक्सपेरिमेंट से डेटा आता है, वो कैसा आ रहा है, एक्सपेरिमेंट्स वाला डेटा कुछ इस तरह का आ रहा है ना। ये है एक्सपेरिमेंटल कर्व, जिससे आपका थ्योरेटिकल कर्व मैच कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इधर चाहे यू कह लो चाहे ई कह लो, और ये हो गया आपका लैम्डा, ठीक है, क्योंकि जो डिपेंडेंस है वो एक जैसी रहती है, यू और ई की, केवल यूनिट्स का फर्क आ जाता है। तो जो हमारा एक्चुअल प्लॉट है, जो हम प्लॉट करने चल रहे हैं, रेले जीन्स लॉ का, वो कैसा रहेगा, हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए वो स्मॉल रहेगा, मतलब यहां पे कहीं रहेगा, ठीक है, और स्मॉल वैल्यूज के लिए क्या होगा, स्मॉल वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। या फिर थोड़ा और पहले मैच करा देते हैं इसको, ये थोड़ा सा ज्यादा मैंने बना दिया, थोड़ा और पहले मैच करा देते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा से, कुछ इस तरह का कर्व रहेगा, ऐसे क्या यहाँ पे आके जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच कर गया, ठीक। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम बेटा ये था इस डिस्ट्रीब्यूशन का, कि फॉर स्मॉल लैम्डा ये क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाता है ना, डाइवर्ज होने का मतलब इंफिनिटी पे चला जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा था, इसको बोला गया था बेटा अल्ट्रा वायलेट का मतलब
अल्ट्रावायलेट की जो लैम्डा होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है ना। जैसे आपने विबग्योर पढ़ा होगा, VIBGYOR, ठीक है। आर के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड आता है, इधर आता है इंफ्रारेड, और वायलेट से पहले क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। ये पता है सबको, ठीक है, ये सबको पता है। तो लैम्डा की वैल्यू इधर सबसे कम होती है और इधर की तरफ बढ़ती जाती है, ये भी सबको पता होगा। रेड के लिए लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है, इंफ्रा रेड के लिए लैम्डा की वैल्यू और ज्यादा होती है ना। तो अल्ट्रा वायलेट की जो लैम्डा है वो कम है, ठीक है। इसीलिए जब ये स्मॉल लैम्डा की तरफ आगे डाइवर्ट कर रहा है, उसको नाम दिया गया अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब डिजास्टर टाइप, है ना। इसको नाम दिया गया, इस फिनोमेना को अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफ, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट लैम्डा मतलब स्मॉल लैम्डा के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच नहीं किया, इसलिए इस फिनोमेना को नाम क्या दिया गया, अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 100% आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए कि अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफ आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफ स्मॉल लैम्डा के लिए होता है, एज लैम्डा अप्रोचेस जीरो, ठीक है। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, रैले डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। किस वजह से आता है, क्योंकि डिवाइड में यहां पे लैम्डा टू द पावर 4 है, ठीक है। एकदम क्लियर है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, अभी से मैं बोल दे रहा हूं आपको, क्लियर हो गया एकदम। फिर हम अपने नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं, क्लियर हो गया हो तो एक बार सब लोग बोल दो, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। और एक क्वेश्चन और इससे इंपॉर्टेंट बन रहा है कि जो इनका ये प्रिंसिपल था वो क्या था, प्रिंसिपल था इनका इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल क्या था इसका, मेन इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो क्या था, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एमंग ऑल द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इनसाइड कैविटी, ठीक है। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी, के बी टी, वहां पे 1/2 KBT थी, यहां पे KYT है, KBT है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन इससे बनेंगे और इससे ज्यादा पांचवा छठा क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, ये 4-5 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से बनेंगे, रेले जीन्स लॉ से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, नेक्स्ट रहेगा हमारा वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो वीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बेस था, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो था मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होता है, जो हमने गैस थ्योरी में पढ़ा था, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है वो उस पे बेस था, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेलोसिटीज होती हैं, उनकी वेलोसिटीज की रेंज क्या रहती है, वेलोसिटीज जीरो से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक मानी जाती हैं, है ना। और ये रेंज कैसी रहती है, कंटिन्यूअस रेंज रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जीरो से लेके इंफिनिटी तक सारी एनर्जी, सारी वेलोसिटीज पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, उनकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस होती है। किसी पार्टिकल की एनर्जी E1 है, किसी की E2 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये आपका यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये कोई एनर्जी लेवल्स नहीं है अलग अलग, जैसे हमारे स्पेक्ट्रल में बनते हैं, यहाँ पे एक लेवल हो गया E0, इतना गैप बीच में खाली है, इसके बाद क्या आया E1, इतना गैप बीच में खाली है, इसके बाद कौन सा लेवल आया E2, ठीक है। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रीट।
इसको कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जैसे डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं ना, पहला हो गया वन, दूसरा हो गया टू, वन और टू में कितने का गैप है, वन का गैप है, पूरा पूरा गैप है ना बीच में, गैप है या नहीं है बताओ मुझे, वन और टू में गैप है या नहीं, कितने का गैप है, पूरी एक पोजीशन का गैप है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, ठीक। तो डिस्क्रीट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट के लिए सम करते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनका सम करते हैं, और जब कंटिन्यूअस चीज होती है तो उसके लिए हम सम को किससे रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या माना गया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में माना गया था कि जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने क्या मान लिया, सिमिलरली इन्होंने मान लिया कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑल द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इन्होंने मान लिया कंटिन्यूअस, जीरो से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, ठीक। वाइब्रेशन इज कॉन्टिन्यूअस। रैले ने क्या माना था, रैले ने मान लिया था कि सारे के सारे मोड्स की एक ही एनर्जी है। रैले ने कितनी मान ली थी वो एनर्जी, केबी की, ठीक है। रैले ने मानी थी वो एनर्जी केबी की। इन्होंने माना कि सारी एनर्जीज पॉसिबल है जीरो से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। सो उसके अजम्पशन पे बेस इन्होंने अपना डेरिवेशन किया। तो इनके डेरिवेशन से जो वैल्यू निकल के आई डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या आई वो भी देख लेते हैं। इनकी जो वैल्यू आई निकल के, वो आई हमारी U lambda D lambda equal to 8 pi hc upon lambda to the power 5, ठीक है, exponential minus hc upon lambda kbt, ठीक है, D lambda। इनके डेरिवेशन में दो टर्म्स आ गए, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से दो टर्म्स आ गए, टू टर्म्स है इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दो टर्म्स दिख रहे होंगे आपको, फर्स्ट टर्म कौन सा है, वन बाई लैम्ब्रा टू दी पावर फाइव है, ठीक। ये वैल्यू क्या करेगा, ये वैल्यू डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेस एट लैम्ब्रा अप्रोचिंग जीरो एंड goes to zero as lambda approaches infinity, समझ आ गया। मतलब ये वाला टर्म तो जैसे रैले का टर्म बिहेव कर रहा था, वैसे ये टर्म भी बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन इस टर्म को कंपनसेट करने के लिए दूसरा टर्म भी है हमारे पास। दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म है आपका एक्सपोनेंशियल डिके का, एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के बी टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, मतलब एक्सपोनेंशियल डिके है, लेकिन लैम्डा यहाँ पे नीचे है, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे ऊपर ना होके कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो लैम्डा की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो ये क्या बनेगा रिलेशन, ये बनेगा फॉर लैम्डा अप्रोचिंग जीरो, ये रिलेशन क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। एंड फॉर लैम्डा अप्रोचिंग इन्फिनिटी, लैम्डा जब इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा इन्फिनिटी अप्रोच करने पर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, अरे एक्सपोनेंशियल जीरो होगा केटी बेटा, एक्सपोनेंशियल जीरो का मतलब क्या होता है, चाहे पॉजिटिव जीरो हो चाहे नेगेटिव जीरो हो, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव जीरो का मतलब वन, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल जीरो के लिए डाइवर्ज होगा लैम्डा वाली टर्म के लिए, फाइव वाली टर्म के लिए, लेकिन एक्सपोनेंशियल वाली टर्म उसको डाइवर्ज होने से रोक लेगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए इसका वैल्यू जीरो हो रहा है, ठीक है। और लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए
तो डाइवर्ज होने से बच गया, लैम्डा इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, ये वाला जीरो पे जा रहा है और ये वाला वन पे रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डाइवर्ज नहीं होगा, मतलब इसमें एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हमारी, जो प्रॉब्लम रेले जीन्स लॉ में आई थी वो प्रॉब्लम क्या आई थी, डाइवर्ज होने की प्रॉब्लम, वो यहाँ पे सॉल्व हो गई। हमारा फंक्शन किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए डाइवर्ज नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइनाइट रह रही, ठीक है। तो इसको प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉटिंग की ये जो टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों फंक्शंस को आप अलग अलग एनालाइज करो, उसके हिसाब से आप प्लॉट जो है एज्यूम करके बना सकते हो आराम से, ठीक है। जो अभी हमने किया, ये अलग अलग वैल्यूज निकाली, कौन डाइवर्ज हो रहा है, कौन कन्वर्ट हो रहा है, सबसे पहले आपको लिमिट्स देखनी है जीरो के लिए और इन्फिनिटी के लिए, वहां से आपको प्लॉट की साइड्स का किनारा मिल जाता है, सॉरी साइड्स का अंदाजा मिल जाता है, ठीक है। उससे प्लॉटिंग काफी आसान हो जाती है। सबसे पहले एक्सट्रीम लिमिट्स देख लो अपने इंटीग्रल की, इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, जीरो पे क्या हो रहा है। अब लैम्डा की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे नहीं लिया है, जीरो से इन्फिनिटी होती है, तो जीरो से इन्फिनिटी के लिए हमने लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज चेक कर ली, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जीरो पे जाके तो लैम्डा की वैल्यू जीरो है और इन्फिनिटी पे जाके भी लैम्डा की वैल्यू जीरो है, मतलब लैम्डा यहां से शुरू होगा और इन्फिनिटी पे जाके जीरो पे खत्म होगा, मतलब यहाँ पे आके एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और यहां से शुरू होगा, बीच में कहीं फाइनाइट हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, ऐसे जा सकता है ना। तो ये प्लॉट कुछ कुछ जो हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है उससे मैच कर जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कर्व और इसमें थोड़ा सा ही फर्क रह जाता है, एक्सपेरिमेंटल कर्व जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है इसके बजाय, ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा जल्दी जाके हमारा जीरो से मैच हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो लैम्डा ओवर वन ओवर लैम्डा फाइव की टर्म है ये बहुत जल्दी डिके करती है, ठीक है। सो ये क्या करता है, जो हमारा प्लॉट है ये पहले जीरो की तरफ अप्रोच कर जाता है एक्सपेरिमेंटल डेटा से थोड़ा पहले, ठीक है। स्मॉल लैम्डास के लिए परफेक्ट मैच है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, ये है वीन्स लॉ, वीन्स, और ये वाला है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, फॉर स्मॉल लैम्डा इट इज ए परफेक्ट मैच विथ एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है। बट फॉर हायर लैम्डा इट डेविएट स्लाइटली, ठीक है, स्लाइट डेविएशन है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इसकी अप्रोच जो है वो रैले के अप्रोच से बेटर थी। रैले ने जो मान लिया था सारी एनर्जीज केवल और केवल केबीटी हो जाएंगी, सबकी एनर्जी उसने सेम मान ली, तो वो जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम अप्रोच हो गया था। इनका अप्रोच क्या था, सारे जो हमारे मोड्स हैं उनकी एनर्जी में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इन्होंने गलती कहाँ पे की है, इन्होंने गलती ये की है कि इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, यहां से लेके यहां तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, E1 से लेके E2 तक, इन्होंने इसके बीच में कोई गैप नहीं माना, इन्होंने क्या माना, ये यहां से कंटिन्यूअस है, एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है सारे मोड्स के लिए, ठीक है। E1 और E2 के बीच में एक पूरा बैंड है एनर्जी का, ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने नहीं माना, ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई डाउट है डिस्ट्रीब्यूशन का तो बताओ मुझे। अभी मैं इन डिस्ट्रीब्यूशन की लैम्डा वाली फॉर्म लिख रहा हूँ, बाद में जब ये सारे हो जाएंगे तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी वाली फॉर्म भी लिख लेंगे, उसमें केवल क्या करना होगा, लैम्डा को रिप्लेस करना होगा फ्रीक्वेंसी से, सो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वहां, सी अपॉन म्यू, ठीक है, इससे रिप्लेस कर देंगे लैम्डा को, तो वो फ्रीक्वेंसी वाली टर्म आ जाएगी, और जो डी लैम्डा है वहां पे भी चेंज आएगा, डी लैम्डा की जगह भी चेंज हो जाएगा, उस नोटेशन को बाद में हम लोग देख लेंगे, अभी लैम्डा वाले की बात कर रहे हैं केवल, जिससे प्लॉटिंग में हमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि इस तरह की ये लास्ट क्लास है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में आप लोग MCQ करने वाले हैं। हाँ बेटा, कॉलेज में मिलेंगे जब भी कुछ पूछता हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने
इसके नोटेशन लगा देता हूँ, ये है लैम्डा और ये है यू या फिर ई, जो भी आपका सेम डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों के लिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो कि जाके परफेक्ट मैच किया सारे डेटा से। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका था? क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लास चल रही है तो डिस्कस, क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्डिंग। अच्छा, दोबारा से ऑन करना मैं रहेंगे? नहीं, ऑन है बेटा, ऑन है, ऑन है। आप लोगों को दिखता है क्या रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं दिखता होगा ना आपको? तो रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, चलो। प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो प्लैंक ने बेसिकली माना क्या, इनके दो एजम्पशन थे बेसिक, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। पहला एजम्पशन इनका क्या था, इनको हम वैसे सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इन एजम्पशंस को बोला जाता है पोस्टुलेट्स। ठीक है, एजम्पशंस जो फिजिक्स में किसी इसकी मानते हैं, मतलब किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड वो एजम्पशन है, उसको बोला जाता है पोस्टुलेट। ठीक है, पोस्टुलेट्स दूसरे टर्म्स में कह ले तो एजम्पशन। ठीक है, ये जो साइंस से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं ये भी आपको सीखते चलना है, ये बहाना बहुत दिन नहीं चलेगा कि इंग्लिश और हिंदी की बात। ठीक है, अब आप लोग बड़े हो गए हो तो ये सब बहाने बंद करो। ठीक, तो सबसे पहला जो इनका पोस्टुलेट था वो क्या था, इनका पोस्टुलेट ये था कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एनर्जी जो एक्सचेंज होती है मैटर में, ठीक है, रेडिएशन और मैटर में जो एनर्जी का एक्सचेंज है, ठीक है, वो कुछ डेफिनेट साइज के बंडल्स के फॉर्म में ही पॉसिबल है। इनका ये पहला अजम्पशन था। ठीक है, वो कोई एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो एक डेफिनेट साइज के एनर्जी बंडल्स है जो एनर्जी रेडिएशन के थ्रू ट्रांसमिट होती है। वो कैसी है? वो एक डेफिनेट साइज के अलग अलग एनर्जी के बंडल्स है। ठीक है, ऐसे समझ लो जैसे बर्फ के गोले नहीं फेंके जाते हैं, ऐसे समझ लो सूरज आपकी तरफ इस तरह के एनर्जी के बंडल्स फेंक रहा है। ठीक है, जो आपको पूरा एक रे के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना कि ये अलग अलग एनर्जी के बंडल्स हैं। एक कंटिन्यूअस एनर्जी ना हो के लिए अलग अलग बंडल्स हैं एनर्जी के, और हर बंडल का अपना एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 कह रहे हैं या फिर μ1 कह रहे हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसकी एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी सॉरी μ2, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है μ3, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है μ4। हर बंडल की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड जो एनर्जी है, उस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, h न्यू। h क्या है यहां पे, यह है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, तो पहले बंडल की एनर्जी क्या है h न्यू 1, दूसरे बंडल की एनर्जी क्या हो जाएगी h न्यू 2, इसकी एनर्जी क्या हो गई h न्यू 3, इसकी क्या हो गई h न्यू 4। ठीक है, इस तरह की अलग अलग एनर्जीज है हमारे पास, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, ये है आपके μ1 μ2 μ3 μ4। ठीक है, तो जो इनकी एनर्जी है वो सीधे सीधे इनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एनर्जी जो किसी भी सोर्स से आती है वो एक डेफिनेट एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में आती है, जिनकी एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट होती है, ना कि कंटिन्यूअस होने के। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रेडिएशन में कैसा है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। और वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, e1 e2 e3, और इनकी एनर्जी कैसी है, h न्यू 1। So on. समझ आ गई ये बात, इनके बीच में क्या है, यहाँ पे गैप है, न्यू 1 से न्यू 2 तक क्या है, गैप है। ये गैप कितना है, h न्यू 2 - h न्यू 1, इसका गैप है अलग अलग एनर्जीज के बीच में। तो ये जो गैप है, इस गैप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, ये हो जाता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन।
समझ आया? तो ये पहला पोस्टुलेट अगर हम वर्ड्स में लिखना चाहें तो क्या हो गया, पहला पोस्टुलेट हो गया एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है, कैन टेक प्लेस ओनली इन बंडल्स ऑफ सर्टेन साइज, ठीक है ना, ये हो गया पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट क्या हो गया वो भी मैं आपको बता ही चुका हूं, उसको लिख देते हैं, द क्वांटा ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जो एक बंडल है इसको क्या बोलते हैं, क्वांटा, इस बंडल को हम क्या बोल देते हैं, क्वांटा, क्वांटा ऑफ एक्सचेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सेकेंड पोस्टुलेट का क्या मतलब हो गया, सेकेंड पोस्टुलेट का मतलब हो गया ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे तो यहां पे कोफिशियंट आ जाएगा, उसका नाम क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू लिख लीजिए, लिखना क्या मतलब, लिख तो मैं ही रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, ठीक है, और यूनिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, यूनिट्स हो जाएंगी एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऊपर आके क्या बन जाती है, टाइम बन जाती है ऊपर आके, तो ये क्या बन गया, जूल सेकंड, ठीक है, यूनिट्स क्लियर है ना, यूनिट्स हमेशा इसी तरह से ध्यान रखनी है, यूनिट्स कभी रट्टा मार के नहीं बैठना, ठीक, यूनिट्स हमेशा निकालनी है फॉर्मूला से मन मन में, कभी याद नहीं करनी ये सब चीजें, ठीक है। तो ये दोनों पोस्टुलेट्स एकदम क्लियर है आपको, समरी क्या है इन पोस्टुलेट्स की, जो लाइट में जो एनर्जी जाती है, ठीक है, जो भी एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है रेडिएशन में, वो किस फॉर्म में हो रहा है, अलग अलग एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, वो अलग अलग बंडल्स की अपनी अलग एक एनर्जी है। ये अलग बात है कि मेरे पास E1 एनर्जी के बहुत सारे अलग अलग बंडल हैं, मान लिया E1 एनर्जी के मेरे पास N बंडल हैं, N1 बंडल है, ठीक है, चलो ये भी देख लो, टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि हर एनर्जी का एक ही बंडल है मेरे पास, है ना, अलग अलग एनर्जी का अलग अलग बंडल हो सकता है, मान लिया मैंने E1 एनर्जी के मेरे पास N1 बंडल है, E2 एनर्जी के N2 बंडल है, और E3 एनर्जी के N3 बंडल है, एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे बंडल हैं, और ये टोटल जो नंबर है इनका सारे बंडल्स का मिला के वो कितना है, N, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ मोड्स के बराबर होगा जो हमारी कैविटी के अंदर है, ठीक है। तो यहां से टोटल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, फिर ऐसा करते हैं, चलो इसका डेरिवेशन कर ही लेते हैं पूरा, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के फिजिक्स के लिए, इसका डेरिवेशन पूरा कर लेते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से, कर लेते हैं, कोई जल्दी तो नहीं किसी को, कर लेते हैं डेरिवेशन, 5 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि वो भले ही आपके एमसीक्यू के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो समझने में बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैं जल्दी नहीं करना चाह रहा ये प्लैंक वाले पर, डेरिवेशन कर लेते हैं इसका, ठीक है, चलो तो मान लो हमने सबसे पहले क्या था, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर्स
इनसाइड द कैविटी, ये कितना माना है हमने, एन है टोटल नंबर तो हमारे पास, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इनकी टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इनकी, टोटल एनर्जी हमने मान ली, टोटल एनर्जी हमने अज्यूम कर ली ई, ठीक है। चलो तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोगों ने मान के चला, लेट एन नॉट, एन वन, एन टू और इस तरह से जाके एन पी, ठीक है। ये हमारे इस तरह के अलग अलग नंबर हैं, नंबर्स ऑफ रेजोनेटर्स, ठीक है। ये अलग अलग ग्रुप्स हो गए रेजोनेटर्स के, ठीक है। हैव दी एनर्जीज, इनकी कुछ अलग अलग अपनी, अलग अलग ग्रुप की अलग अलग एनर्जी है, जैसे मैंने आपके अलग अलग ग्रुप को इस समय अलग अलग प्रैक्टिकल दे रखे हैं। हैव दी एनर्जीज जीरो एच न्यू, टू एच न्यू, थ्री एच न्यू, ठीक है, ऐसे करके पी एच न्यू, समझ आ गई बात। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि बेटा न्यू वन और न्यू टू के बीच में रिलेशन क्या होगा, न्यू वन और न्यू टू के बीच में रिलेशन हमेशा यह होगा कि वो नंबर से चलेंगे। पहले न्यू वन की वैल्यू क्या होगी, मान लिया न्यू वन को हमने न्यू बोल दिया, ठीक है, तो इसके मतलब न्यू टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू न्यू, न्यू थ्री की वैल्यू क्या होगी, थ्री न्यू, न्यू फोर की वैल्यू क्या होगी, फोर न्यू, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा इनका, ठीक है। सो हर दो फ्रीक्वेंसी के बीच में पूरा एक का गैप है, ठीक है। सो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी, केवल यही फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, न्यू, टू न्यू, थ्री न्यू, फोर न्यू, ये होता है क्वांटाइजेशन का मतलब, ठीक है। तो जो पॉसिबल एनर्जीज है वो कितनी है, न्यू है, टू न्यू है, थ्री न्यू है, फोर न्यू है, ठीक है। न्यू और टू न्यू, इनके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, न्यू एंड टू न्यू, इनके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप कहने लग जाओ कि न्यू और टू न्यू के बीच में थ्री बाई टू न्यू भी तो होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, थ्री बाई टू न्यू इनके बीच में कहीं पे भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी का फोटोन है हमारे पास और टू न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, समझ आ गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस यहीं से स्टार्ट होता है कि एनर्जी ट्रांसफर जो है वो अलग अलग बंडल्स के फॉर्म में हो सकता है, उन बंडल्स की फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड उनकी एनर्जी होती है, और एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू, और जो पॉसिबल एनर्जीज है वो कितनी हो जाती है, ई इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ये बेटा, इसका वैल्यू जो है वो डिस्क्रीटली चेंज होता है, ना कि कंटिन्यूसली, ठीक है। तो जो आपके पास अलग अलग एनर्जीज है उसके अलग अलग ग्रुप्स हो गए फोटॉन्स के, ठीक है। एक सेकंड में जरा पानी पी लूंगा। ठीक है, इन्होंने क्या मान लिया, एन नॉट जो है उनकी एनर्जी कितनी है, जीरो एनर्जी है उनकी, ऐसे एन नॉट रेजोनेटर है, एन वन इतने रेजोनेटर है जिनकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू, और एन टू इतने रेजोनेटर है जिनकी एनर्जी है टू एच न्यू, ठीक है। इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने मान लिया, ठीक है। सो यहां से अगर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें
सो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग से एन वन की वैल्यू हो जाएगी एन जीरो एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के वी टी, ठीक है। एन टू की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टू एच न्यू ओवर के वी टी, ठीक है। ये अकॉर्डिंग है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे ही जाके एनपी की वैल्यू क्या हो जाएगी एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस पी एच न्यू ओवर के बी टी, ठीक है। ये अलग अलग बंडल्स का जो है वो नंबर हमने किसके फॉर्म में लिख लिया, जो इनिशियल नंबर था एन नॉट उसके फॉर्म में लिख लिया हमने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो फोटोन्स है या फिर कहे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स है वो कितना है, एन इक्वल टू एन नॉट प्लस एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, यही है, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर दिया एन इक्वल टू एन नॉट प्लस एन वन की वैल्यू पुट कर दी एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के बी टी प्लस एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टू एच न्यू ओवर के बी टी, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से अगर इसका मैं वो निकालना पड़े, इसका जो ये कैसा बन रहा है, प्रोग्रेशन बन रहा है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है ये, एन नॉट को कॉमन ले लिया तो सीरीज कैसी बन गई, वन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू अपॉन के बी टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस टू एच न्यू अपॉन के बी टी, ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है ना ये, हर टर्म में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू अपॉन के बी टी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज का सम क्या हो जाता है, सम हो जाता है फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस मल्टीप्लाइड टर्म, ये क्या होता है, सम कितना होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला ध्यान है आपको जीएम सीरीज के लिए, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है यहां पे, ए की वैल्यू है वन, ए की वैल्यू वन है तो ऊपर वन आ गया, आर की वैल्यू क्या है, यही आर हो गया जो इधर सेकेंड वाला टर्म है, तो ये हो गया वन अपॉन वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के बी टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, ठीक, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स मिल गया। तो एनर्जी इसी तरह से कैसे निकाल लेंगे, सिमिलरली टोटल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, यानी नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं E इक्वल टू, अच्छा जो N नॉट है, ठीक, जो N नॉट है उनकी एनर्जी कितनी है, N नॉट है उनकी एनर्जी है जीरो, ठीक है। तो जीरो को कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, N नॉट से, ठीक, प्लस N वन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कितनी है, H न्यू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस N टू ऐसे हैं जिनकी एनर्जी है टू एच न्यू, ठीक है। इस तरह से अलग अलग उनको उनकी उनकी एनर्जी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये लाइन क्लियर है आपको, E इक्वल टू एन नॉट जीरो प्लस एन वन एच न्यू, ये क्या है एनर्जी एच न्यू, और इतनी एनर्जी कितनों के पास है, एन वन लोगों के पास है, ठीक है, इसलिए उससे हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से जो सारे कॉम्बिनेशन है उनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहां से हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, तो टोटल एनर्जी कितनी बन गई, E इक्वल टू एन नॉट इंटू जीरो, तो जीरो हो गया। सेकेंड टर्म क्या बन गया, एन वन की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो एन वन की वैल्यू है एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के बी टी, ठीक है। सो वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के बी टी, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे किया है हमने इसको, मल्टीप्लाई किया है एच न्यू से, प्लस में आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या थी, एन टू की एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टू एच न्यू ओवर के बी टी, मल्टीप्लाई किससे किया है, टू एच न्यू से किया है, प्लस सो ऑन, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एन नॉट सब में आ रहा है कॉमन आ गया, एच न्यू सब में आ रहा है कॉमन आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर
केबीटी, ये भी सब में आ रहा है, कॉमन आ गया, ठीक है। कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया वन प्लस टू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर केबीटी प्लस थ्री एक्सपोनेंशियल माइनस टू एच न्यू ओवर केबीटी एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह का रिलेशन हमारा ही बनेगा, ठीक। तो ये जो अंदर सीरीज बन रही है उसको हमने नाम दे दिया कुछ, बाहर हो गया एन नॉट एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर केबीटी, ठीक है। अंदर वाली सीरीज को हमने नाम दे दिया एस, इसको हमने नाम दे दिया एस, ठीक है। सो एस की वैल्यू बेसिकली क्या है, एस की वैल्यू है वन प्लस टू एक्स, जो ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है इसको हमने नाम दे दिया एक्स, ठीक है। ये हो गया वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के बी टी। कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे तुरंत टोक देना, मैं मान के चल रहा हूँ कि सिंपल है तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन टू हमारा, ठीक। अब हमने क्या किया, एस को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लिया, इसको हमें सॉल्व करना है ना, सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एस एक्स को हमने देखा कितना आता है, एस एक्स कितना हो जाएगा, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स हो गया, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया थ्री एक्स क्यूब, ये हो गया फोर एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन, ये हो गया इक्वेशन फोर, ठीक है। दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटा के हमें क्या मिल जाएगा, एस इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू, दोनों को घटा दो क्या मिला, टू एक्स में से एक्स चला जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, घटेगा ना, ऐसे ही होगा, ये क्या क्या बेसिकली टू माइनस, सॉरी इक्वेशन थ्री कहेंगे ना इसको, इक्वेशन फोर में लिख दी, टू माइनस थ्री किया है, टू माइनस थ्री करेंगे तो यही होगा ना, टू एक्स में से एक्स कट जाएगा, इधर के थ्री एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फोर एक्स क्यूब में से थ्री एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा वन प्लस बोलो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा मिलेगा, चार में से तीन घट रहा है, तीन में से दो घट रहा है, दो में से एक घट रहा है ना, तो सबके जो मल्टीप्लीकेशन में थे वो चले गए, केवल हमारे x बच गए यहाँ पे, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे बच गया, ठीक है। अब ये भी कैसी सीरीज है, ये भी ज्योमेट्रिकल सीरीज है, ठीक है। इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, इधर तो सही रहेगा, ऐसा ही ऐसा एस इंटू वन माइनस एक्स, इधर क्या बन गया, ए अपॉन वन माइनस आर, तो ये हो गया वन अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली एस इक्वल टू में क्या मिल गया, एस इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको वापस से उठा के पुट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन में, इसको नाम दे दिया हमने ए, put in equation A, ठीक है। A का क्या वैल्यू था, एनर्जी इक्वल टू वहां पे थी एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के बी टी इंटू एस, है ना, यही तो था, S का वैल्यू हमने निकाल लिया, और यहाँ पे X क्या था, X था यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के बी टी, है ना। सो E इक्वल टू एन नॉट एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के बी टी, और एस का वैल्यू पुट कर दो, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर के बी टी इसका स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, टोटल एनर्जी आपकी ये हो गई,
टोटल एनर्जी में कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो हो गई टोटल एनर्जी, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो उसके लिए हम लोग यहां से पहले एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज एनर्जी पर रेजोनेटर वो कितनी हो जाएगी? E बार इक्वल टू एवरेज एनर्जी पर रेजोनेटर कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, यही होगा ना। आपने N1 लोगों को E1 एनर्जी दे दी, N2 लोगों को E2 एनर्जी दे दी, N3 लोगों को E3 एनर्जी दे दी, है ना। और आपसे बोला जाए कि एवरेज एनर्जी निकालिए कि एक आदमी के पास एवरेज कितनी एनर्जी, कैसे निकालोगे? N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3, है ना, ऐसे तो निकालोगे। डिवाइडेड बाई क्या करोगे? डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, यही करोगे ना। टोटल नंबर ऑफ मोड्स यहाँ हो गए, या टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स यहाँ हो गई टोटल एनर्जी। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है ये। सो यहाँ से E बार का वैल्यू क्या आ गया? E बार इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है? N0 एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर KBT ओवर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर KBT, इसका स्क्वायर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स कितना आया था हमारा, ये भी देख लेते हैं। ऊपर ये आया था टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हो तो नहीं गया, सब लोग समझ में आ रहा है ना? वो मेरे साथ या कहीं इधर उधर हो? ये था N0 1 अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर KBT। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? N0 अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ओवर KBT, यही हो जाएगा। एक इससे ये कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, N0 से N0 कैंसिल हो गया। सो एवरेज एनर्जी हमें कितनी मिल गई? एवरेज एनर्जी मिल गई बेटा एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू ओवर KBT अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू अपॉन KBT। ठीक है, अभी ऊपर और नीचे की टर्म एक जैसी लग रही है, तो ऊपर वाले को उठा के नीचे डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की जगह पे वो आ जाएगी उल्टी होके, इसको नीचे लाके यहाँ डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? एच न्यू अपॉन यहाँ पे आएगा 1 के डिवीजन में, तो उल्टा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू में से क्या हो जाएगा? प्लस एच न्यू हो जाएगा, 1 अपॉन बनेगा ना, तो 1 अपॉन की जगह पावर माइनस से प्लस में हो जाएगी। फिर ये बन गया एच न्यू ओवर KBT। ठीक है, और ये तो बराबर है, तो कैंसिल होके क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर नेटर। ठीक है ना, ठीक। अब क्या करना है हमको? अब हमको केवल इसको टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स से मल्टीप्लाई करके रेंज निकाल देनी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, टोटल मोड्स कितने थे? टोटल मोड्स जैसे ही हमने उसमें निकाले हैं, क्या कहेंगे, मोड्स तो उतने ही रहेंगे ना, कौन से में निकाले? रैले में निकाले थे, है ना।
पहले में निकाले थे हमने 8 पाई समथिंग निकाले थे जो, ठीक है। सो वही टर्म इसमें भी आएगा, हमको उसको केवल इससे एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई करना रहेगा टोटल मोड से, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, यू म्यू डी म्यू। फर्क केवल इतना है कि वहां पे टर्म्स आपकी लैम्डा के टर्म्स में थी, यहाँ पे हम लोग शुरू से फ्रीक्वेंसी लेके चले, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। ये हो गया 8 पाई म्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब, यहाँ पे आ गई आपकी एवरेज एनर्जी टोटल नंबर ऑफ मोड्स के साथ में, एच म्यू ओवर एक्सपोनेंशियल एच म्यू ओवर केवीटी माइनस वन, ठीक है। साथ में आ गया डी म्यू, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी को अगर लैम्डा के टर्म्स में लिखेंगे तो लैम्डा बेसिकली कैसे, म्यू इक्वल टू हो जाएगा सी बाई लैम्डा, और डी न्यू क्या हो जाएगा, डी न्यू हो जाएगा साइन हटा देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। वैसे तो माइनस में आएगा लेकिन साइन से हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा सी बाई, इसका केवल क्या करना है डेरिवेटिव लेना है, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, डी न्यू इक्वल टू लैम्डा क्या होगा पावर माइनस वन से माइनस टू हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा केवल, और यहाँ पे आ जाएगा डी लैम्डा, ठीक है। सो लैम्डा के टर्म्स में क्या मिल जाएगा, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ का जो एच न्यू था उसका भी एक लैम्डा है इसलिए यहाँ 5 हो गया, वरना यहाँ पे 4 रहता जैसा कि रैले के केस में आया था, ठीक है। ये केवल इस वाले एच न्यू की वजह से नीचे 5 हुआ है, समझ रहे हो। नंबर ऑफ मोड्स तो उतने ही है, नंबर ऑफ मोड्स उसके केस में कितने थे, 8 पाई ओवर लैम्डा टू द पावर 4 थे, दिखा देते हैं ऊपर एक बार। नंबर ऑफ मोड्स क्या है बेसिकली, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स जरूरी है पढ़ना। आप लोग सोच रहे हो कि ये नंबर ऑफ मोड्स और रेजोनेटर में फर्क क्या है ना, सो ये आपको अभी समझा पाना मुश्किल है क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स के बाद ही पॉसिबल है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोड्स निकाला था, ये देखो 8 पाई ओवर लैम्डा टू द पावर 4, इसने क्या किया था मोड्स को केबीटी से मल्टीप्लाई कर दिया था, सबकी फ्रीक्वेंसी सबकी एनर्जी इसने सेम मान ली थी, हम लोगों ने एक अलग एनर्जी निकाली और उसका एवरेज लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग रेजोनेटर की अलग अलग एनर्जी है, हमने उसका एवरेज लेके नंबर ऑफ मोड्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो कि केबीटी के अंदर पॉसिबल है टोटल नंबर ऑफ मोड्स, ठीक। तो ये नंबर सेम रहेगा 8 पाई ओवर लैम्डा टू द पावर 4, इसी नंबर को हमने क्या किया यहां पे 8 पाई ओवर लैम्डा टू द पावर 4, ये आया साथ में एच सी ओवर लैम्डा, वो आया यहां से 1 ओवर एक्सपोनेंशियल सी ओवर लैम्डा के बी थी, ये वाला जो एच न्यू था ये बाहर जाके यहाँ पे एच सी ओवर लैम्डा बन गया ना बाहर जाके, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस वन, ठीक, बाहर आ गया डी लैम्डा। ये डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्स उसका, सॉरी मैक्सवेल कह रहा हूँ, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑल क्लियर नहीं है बेटा वंशिका, ये आधी चीजें तो बताई नहीं है अभी, ऑल क्लियर कैसे हो जाएगा, जितना बताया है उतना क्लियर है, बस ये कह दो। बाकी चीजें आप समझने लायक बनेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बाद, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स आपने अभी तक थोड़ी पढ़ी होगी, 12th में थोड़ा पार्ट थोड़ी है क्वांटम मैकेनिक्स का, है क्या, क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल भी नहीं है ना आपके 12th में, भूल चुका हूं मैं कि 12th में क्वांटम होती, वैसे नहीं होती यहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, नहीं होती है ना, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा, बहुत इतना डिटेल में नहीं होगा कि आप इसको समझ पाओ, ठीक है। तो जब आप क्वांटम का कोर्स हो जाएगा तो ये आपको समझ में आएगी बात की मोड्स और उसमें क्या फर्क है, ठीक है। फिलहाल आप मान के चलो मोड्स क्या है, मोड्स है पॉसिबल जो फ्रीक्वेंसी मोड्स पॉसिबल होते हैं,
किसी कैविटी के अंदर। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम के कितने मोड्स हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपको कपल पेंडुलम है या सिंगल पेंडुलम है। ठीक, तो सिंगल पेंडुलम है उसका एक ही मोड होता है और एक ही फ्रीक्वेंसी होती है एफ। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोड्स और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दो अलग चीजें हैं। नंबर ऑफ मोड्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मान लिया तीन मोड्स हैं, चार मोड्स हैं, ठीक, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरह से वेरी करेगी, उसका कुछ अपना रिलेशन रहेगा आपस में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी बाद में। फिलहाल आप मान के चलिए ये केवल एनर्जी के बंडल्स आ रहे हैं फोटॉन्स के फॉर्म में, है ना, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी है। ठीक है, और वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन मोड्स के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मोड्स से फोटॉन्स की एवरेज एनर्जी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका प्लॉट जो आएगा वो एकदम मैच करेगा आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा से। ठीक है, इसलिए इसका प्लॉट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कल से बना ही रहे हैं प्लॉट बार बार। ठीक, अब हम लोग केवल इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं, वहीं पे हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट कर्व है। ठीक, तो परफेक्ट कर्व हमेशा क्या करेगा, परफेक्ट कर्व में आप जब भी लिमिट्स लोगे तो वो आपके दूसरे कर्व से मैच कर जाएगा। देखो क्या होगा, इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं, स्पेशल केसेस देख लेते हैं डिडक्शंस फ्रॉम। ठीक, क्या क्या डिडक्शन हम इससे लगा निकाल सकते हैं, पहला देख लेते हैं कि जब लैम्डा की वैल्यू हाई होगी, लैम्डा इज हाई, ठीक है, उस केस में क्या होगा, लैम्डा इज ग्रेटर देन एचसी ओवर केबीटी, उस केस में देखते हैं क्या बनेगा। ठीक, क्या हो जाएगा इस केस में, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है ना, कहाँ गए सब, अरे यार आपस में बातें कर रहे हो, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होने से आप जो आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको देखो क्या बनेगा, जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा केबीटी, इसको देखते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, अच्छा e टू दी पावर x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहता है, e टू दी पावर x इक्वल टू 1 प्लस x प्लस क्या होता है आगे बताओ मुझे, बताओ भाई, सीरीज पूछ रहा हूं मैं, सीरीज भी नहीं बता पा रहे हो, अब आया सही, ब्रांचो फैक्टोरियल तुम भूल गए, बाकी सबको e टू द पावर x भी नहीं पता है क्या, क्या हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, जो 2 2 लिख रहे हैं लोग वो फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन
फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, टू इंटू वन, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, थ्री इंटू टू इंटू वन, इस तरह से रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्स का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा, जब लैम्डा का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये जो अंदर का क्वांटिटी है क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स के आगे के टर्म्स मानने का कोई मतलब नहीं है, ये टर्म्स बहुत स्मॉल हो जाएंगे, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे बताओ मुझे, ये स्मॉल हो जाएंगे फॉर हाई लैम्डा, ठीक। सो जो नीचे का हमारा पूरा फंक्शन था वो क्या बन जाएगा, इसको हम लिख लेंगे केवल वन प्लस एक्स, ठीक है, इसको हम लिख देंगे केवल वन प्लस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे है अंदर एच सी अपॉन लैम्डा के बी टी, ठीक है, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली इतना लिख लिया अंदर वाले टर्म को, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को, ठीक है। तो यहां से हमारा टर्म कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एट पाई एच सी, 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा टू द पावर 5, ठीक। यहाँ क्या बन गया, नीचे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 से 1 चला जाएगा ना, अरे यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल माइनस 1 इसके अंदर लिख दिया क्या यार, कैसे गलती कर देगा, मतलब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट गलत जगह लगा दिया ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन, वन से वन कैंसिल, टर्म हमारे पास क्या है, वन अपॉन एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्डा के बी टी माइनस में वन है, ठीक है। सो ये वन अपॉन वन प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के बी टी माइनस वन, वन से वन कैंसिल, ठीक है। नीचे क्या बचा, एच सी अपॉन लैम्डा के बी टी, ठीक है, डी लैम्डा, ठीक है। एक लैम्डा से ये एक कैंसिल हो गया, चार बच गया, ठीक। एच सी से एच सी कैंसिल हो गया, क्या बच जाता है यहाँ पे, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू एट पाई ओवर लैम्डा टू द पावर 4 के बी टी डी लैम्डा, ये क्या आ गया बताओ मुझे, ये कौन सा लॉ है, केबीटी दिखाई दे रहा है, केबीटी देखते ही क्या आना चाहिए, कौन सा लॉ है ये, अभी किया ना रैले, रैले जीन्स लॉ है ये, ठीक है। सो हुआ क्या, बेसिकली हाई लैम्डा की लिमिट में, इन हाई लैम्डा लिमिट Planck's law approaches to Rayleigh-Jeans law, ठीक है। और स्मॉल लैम्डा लिमिट में तो Rayleigh-Jeans law वैसे भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना है आपको, दोनों चीजें यहीं से ध्यान हो जाएंगी, स्मॉल लैम्डा लिमिट में Rayleigh-Jeans law वैसे भी फेल है, तो हाई लैम्डा लिमिट में ये अप्रोच किसको करेगा, Rayleigh-Jeans law को अप्रोच करेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये बात, अब देख लेते हैं स्मॉल लैम्डा की लिमिट में क्या होगा, ठीक है। स्मॉल लैम्डा की लिमिट में क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है नीचे वो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के बी टी, स्मॉल लैम्डा के लिए इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी वन से, ठीक है। तो जो नीचे माइनस में वन आ रहा है, जो नीचे माइनस में वन आ रहा है उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सो वन अपॉन एक्सपोनेंशियल समथिंग माइनस वन है ना, इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे वन अपॉन एक्सपोनेंशियल वन से बड़ा है,
ठीक है, तो माइनस वन को हमने क्या कर दिया, नो यहां से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बन जाएगा, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू बाहर क्या है, 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा टू द पावर 5, 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा टू द पावर 5। यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया नीचे एक्सपोनेंशियल, नीचे से ऊपर लाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के बी टी। ये कौन सा लॉ आ गया बताओ मुझे, ये कौन सा लॉ निकल के आ गया, नया नया है या पुराना ही है कोई, बोलो भाई। अरे बोलो, नया है, अच्छा। अरे वीन्स लॉ पढ़ा नहीं था अभी, बाकी लोग कहाँ हैं, ठीक है। सो स्मॉल लैम्डा लिमिट में क्या होगा, स्मॉल लैम्डा लिमिट में प्लैंक्स लॉ जो है वो अप्रोच करेगा, चलिए एक लास्ट डिडक्शन और रह गया इसका, वो देख लेते हैं थर्ड। थर्ड है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये एक डिडक्शन इससे निकल के आता है। अच्छा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ किस चीज के बारे में था, ये था कि किस लैम्डा के ऊपर आपकी एनर्जी पीक करती है, उसी के बारे में था। इसी के बारे में तो था ये, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी किस लैम्डा पे एनर्जी पीक करती है। ये हो गया लैम्डा वन, ये हो गया लैम्डा टू, ठीक है। ये है वन, ये है ई मैक्स टू, तो डिस्प्लेसमेंट लॉ इसी के बारे में था। लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसके बारे में था ना ये। सो ये बेसिकली क्या दे रहा है हमको, ये दे रहा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, आपका फंक्शन कहाँ पे जाके मैक्सिमा बनेगा। तो मैक्सिमा के लिए हमको क्या करना होता है, मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी निकालना हो तो हमारे पास कौन सा हथियार होता है बताओ, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, ये है यू वर्सेज लैम्डा, ठीक। इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालने के लिए कौन सा हथियार है हमारे पास, बताओ भाई। डिफरेंशिएशन है ना, एक ही आदमी बोला केवल, द वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम can be found by del u lambda, del lambda, इससे मिलेगा हमारे पास उसके डेरिवेटिव को, कर्व के डेरिवेटिव को आप जीरो पुट कर दीजिए, ठीक है। तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए U मैक्सिमम होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन में मिनिमा तो कोई है नहीं, मिनिमा तो कहीं भी है नहीं, केवल एक मैक्सिमा है, तो ये आपको मैक्सिमा ही मिलेगा। डिफरेंशिएशन कोई जीरो को
सो इसकी इक्वेशन बन के आती है, उसके बाद इक्वेशन बनती है इसकी एच सी ओवर, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन करने बैठ जाएंगे, ठीक है। केवल मैं बना के दिखा देता हूँ, ये बनती है इक्वेशन अगर लैम्डा मैक्स के बी टी, ठीक है। तो वहां से बनती है x इक्वल टू फाइव वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस, ऐसी इक्वेशन है जिसको आप एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। आप सोचोगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व एनालिटिकली। एनालिटिकली मतलब पेन और पेपर लेके जो सॉल्व हो सके, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया और आप सोचो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, वो चीज नहीं हो पाएगी। इसको सॉल्व किया जाता है कंप्यूटर से, कंप्यूटेशनली, ठीक है। जैसे मान लो एक्स के अलग अलग वैल्यू पुट करके इसका लूप चलाया जाएगा, ये प्रोग्रामिंग में होता है, आपको सिखाया भी जाएगा मैटलैब में। मैटलैब का जो बेसिक काम है वो यही है, इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना जिनको आप पेन और पेपर से सॉल्व नहीं कर सकते। मैटलैब आप शायद सीख भी रहे हैं मैथ्स वाले कोर्स में, है ना। मैटलैब हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है। उनका जो बेसिक काम है वो क्या है, इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना जो कि आप पेन और पेपर लेके सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे जो कर ले, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका सोल्यूशन निकल के आता है वो क्या आता है, वो आता है लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। उस कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू आती है कंप्यूटेशन से, वो आती है लैम्डा मैक्स टी इक्वल टू बी, ये होता है वीन्स कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू है बेटा 2.897 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक, मीटर केल्विन। मीटर किसका आया, मीटर आया लैम्डा का, केल्विन किसका आया, टेम्परेचर का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां से बेसिकली लैम्डा और टी में एक इन्वर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो जिस लैम्डा पे एनर्जी पीक होगी उस लैम्डा की वैल्यू घटती चली जाती है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे 100% आएगा एग्जाम में, मैं लिख के देता हूं आपको, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। और किस तरह का क्वेश्चन आएगा, समझदार आदमी ने पेपर बनाया होगा तो वो लैम्डा के प्लॉट्स बना के देगा आपको, और समझदार आदमी ने नहीं बनाया होगा तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ठीक है। वो दो लैम्डा दे देगा, लैम्डा वन लैम्डा टू, और T1 दे देगा और T2 की वैल्यू पूछ लेगा कितनी होगी, ठीक है। तरीका क्या है, लैम्डा वन T1 इक्वल टू लैम्डा टू T2, ठीक है। तीन चीजों की वैल्यू दी रहेगी, किसी एक की निकालनी होगी, समझ आ गया। और कोई समझदार पेपर बनाएगा तो वो प्लॉट बना के देगा आपको, वो न्यूमेरिकल वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। प्लॉट में क्या देखना है, प्लॉट में देखना है आपको टेम्परेचर देखना है दोनों प्लॉट्स का। इसका मान लीजिए 200 केल्विन दे दिया उसने, इसका दे दिया 500 केल्विन, इसका 500 हो ही नहीं सकता, पूछेगा वो एक सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। इधर बना दिया लैम्डा, इधर बना दिया यू, ठीक है। अरे अरे ज्यादा ही दबा दिया मैंने अंडू। T1 टेम्परेचर और ये हो गया T2 टेम्परेचर, ऊपर वाले का टेम्परेचर T1, नीचे वाले का T2। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिलेशन क्या है T1 और T2 में, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज लेस देन T2, या फिर T1 इज इक्वल टू T2। तो कौन सा सही है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा का वैल्यू घटेगा, ए बी सी कौन सा सही है बताओ,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा का वैल्यू घटेगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इसको यूज करके आप बताओ कौन सा होगा। कहां गए सब लोग? प्रियांशु, अभिनव, कसक, प्रज्ञा कहां हो? कसक बेटा क्या कर रही हो? माही तुम भी गड़बड़ कर रही हो। सोच समझ के। हाँ, टी वन का वैल्यू कम होगा, ऑप्शन होगा इसका ए। ठीक है, क्योंकि लैम्डा किस तरफ घट रहा है बेटा? घट तो इस तरफ लाएगा लैम्डा। लैम्डा टू की वैल्यू लैम्डा वन से ज्यादा है ना? इस तरफ लैम्डा घट रहा है, इस तरफ जाने पे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना? टी टू से टी वन की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है माही, तब इस तरह से बनाया होता है, लैम्डा वन की वैल्यू दे दी, टी टू टी वन की वैल्यू दे दी और लैम्डा टू की वैल्यू दे दी, तो आप निकाल के तो चले आए। टी टू का वैल्यू आप न्यूमेरिकली तो अच्छे से निकाला होगे, लेकिन फिजिक्स आपको तब भी क्लियर नहीं हुई। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बनाने का तरीका ये बेहतर होता है। ठीक है, इसको आप देख के आपकी फिजिक्स क्लियर हो रही है। ठीक, समझ में आया? इसलिए मैंने क्यों बोला कि समझदार आदमी इस तरह बनाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहां से आप वैल्यू तो निकाल के चले आओगे। लैम्डा वन दे दिया, टी वन दे दिया, लैम्डा टू दे दिया, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा वन टी वन इक्वल टू लैम्डा टू टी टू, और यहां से आपका टी टू निकल आएगा, आप खुश होकर चले आओगे आंसर टिक करके, लेकिन उससे आपको मिला कुछ नहीं उस क्वेश्चन को करने से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करोगे ग्राफिकली, तो ग्राफिकली देख के आपको एक फिजिकल इंट्यूशन मिलती है चीजों को देखने की। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, सिंपल सी बात है। टेम्परेचर घट रहा है तो लैम्डा घट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा घट रहा है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, लैम्डा डिक्रीजेस। लैम्डा डिक्रीज होने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में भी अपोजिट रिलेशन होता है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में भी अपोजिट रिलेशन होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अगर प्लॉट दे दिया गया तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी वाला क्या होगा? बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी प्लॉट दिया जा सकता है आपको। ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे उल्टा हो जाएगा इसका, वहां पे बेटा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। वहां पे क्या होगा? वहां पे प्लॉट इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरफ अगर एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी बना दी उसने, और ये जरूर ध्यान देना यहाँ फ्रीक्वेंसी बनाया है। ठीक, इधर क्या बनेगा? यू, यू न्यू। ठीक, ये हो गया टेम्परेचर, इसके लिए ये हो गया न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे, ये हो गया न्यू टू फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, टेम्परेचर ये है टी वन और ये है टी टू। अब मुझे बताओ टी वन और टी टू में से कौन सा बड़ा है? टी वन ग्रेटर देन टी टू ए, टी वन लेस देन टी टू बी, कौन सा ऑप्शन सही है? सोच समझ के बताओ मुझे। फिर वही बात, तुम लोग जल्दबाजी करते हो। ये होगा ना बेटा, इसका बी होगा ना। माही बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे 75 नहीं आ पाएंगे। ठीक है, टारगेट आप लोगों का कोई 60 वाट लाने का नहीं है, 60 65 का कोई टारगेट नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में टारगेट है 70 लाने का, 70 75 जो भी है 70 है। स्क्रीन शो बेटा तुम्हारी नहीं हो रही है, अपना रिफ्रेश करो।
इस तरह से बेटा 70 नंबर नहीं आ पाएंगे भाई, ठीक है? सोच समझ के एकदम दिमाग लगा के हर क्वेश्चन को करना है अच्छे से। समझ आ गया? चलो ठीक है, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कल हम लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? 9 बजे अब आप लोग कॉलेज वगैरह जो भी आपका टाइम है, केमिस्ट्री का क्लास का जो भी टाइम है वो आइए उस हिसाब से, उसके बाद फिजिक्स लैब में आ जाना 1 बजे करीब, ठीक है? 1 बजे वो लोग आए जिनको प्रैक्टिकल में बोला गया है अभी सिखाने के लिए, कि उनको आज खुद करके देख लेना है पहले, ठीक है? जो ग्रुप्स बनाए हैं 9 लोगों के, वो लोग आज आ जाएंगे और प्रैक्टिकल्स अपने देख लेंगे, अप्रेटस कैसे क्या करना है, ठीक है? उसको अच्छे से समझ लेना। मेरा देखो एम ये है, मेरा एम ये है कि जो ग्रुप मैंने बनाए हैं उनको मैं मेंटोर बना दूंगा उस प्रैक्टिकल का, ठीक है? उस प्रैक्टिकल को देखने की जिम्मेदारी थोड़ी सी आपकी हो जाएगी, ठीक? बच्चों को कोई दिक्कत आएगी तो वो पहले आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या करना है, कैसे होगा, ठीक है? उसके बाद मेरे पास आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है प्रैक्टिकल करने के लिए, हम लोगों को 1 हफ्ता ही मिल रहा है, ठीक है? 1 हफ्ता 10 दिन मिल पा रहा है केवल, 10 दिन में इतने लोगों को सबको अकेले मैं समझा पाऊँ ये आसान नहीं है, 190 लोग हैं सब लोग अगर आने लगेंगे तो, है ना? इसलिए मुझे आप लोगों की हेल्प लगेगी, इसलिए मैंने ये चलाया है। तो जो 9-10 लोग हैं या उनका ग्रुप है जो बड़ा बड़ा जो आपने बनाया हो, ठीक है, थोड़ी सी जिम्मेदारी उस प्रैक्टिकल की वो ले लेंगे अपने ऊपर, ठीक है? कोई पूछता है तो उसकी हेल्प कर दी, ठीक? समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के बेटा बीएससी करने का मतलब है नहीं, बंदा कर ये भी सकते हैं कि ना कराएं प्रैक्टिकल, हो जाओगे पास, आप ऐसे नंबर भी आपको दे दिए जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, है ना? ठीक है, चलिए फिर, बाय।